जब आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता है और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे पता करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी हो। बैटरी अगर डेड होगी तो आप चार्जर लगाओगे, अगर चार्जर लगाने पर भी नहीं ऑन हो रहा, बैटरी और चार्जर दोनों जगह से सप्लाई मिल रही है और उसके बाद भी आपका लैपटॉप नहीं आता, तो तीसरे नंबर पर आ जाता है आपकी पावर बटन जिससे आप लैपटॉप ऑन करते हो। तो अगर इन तीनों को आपने चेक कर लिया है उसके बाद भी नहीं लैपटॉप ऑन हो रहा, तो अब ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि क्यों आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। देखो, जब आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता तो उसका यही रीजन होता है कि उसमें सप्लाई नहीं मिल रही जिसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा। अगर यही चीज़ आपके मदरबोर्ड से होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप बटन चाहे जितनी दबा लो और चाहे बैटरी बदल लो चाहे चार्जर बदल लो, अगर आपके मदरबोर्ड के चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है तो वो कभी सही नहीं होगा। जब तक आप मदरबोर्ड को रिपेयर नहीं कराते हैं तब तक आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम और लैपटॉप ऑन होने की प्रॉब्लम वो ठीक नहीं होने वाली। अगर आप मदरबोर्ड रिपेयर करना नहीं जानते हो तो आप बिल्कुल अपना लैपटॉप बिल्कुल ना खोलो। आप अपने लैपटॉप को किसी अच्छी से शॉप पे ले जाओ और वहाँ आपको 1000-1200 रुपये लेगा, वो आपका जो मदरबोर्ड में आपका जो लैपटॉप में चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक कर देगा और आपका लैपटॉप फिर से चार्ज होने लगेगा और आराम से आपका लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप अपना लैपटॉप ले आओ, आराम से यूज करो। तो ये हो गई देखो चार्जिंग की प्रॉब्लम से। और कभी कभी क्या होता है, देखो आपका चार्जिंग तो बताएगा लेकिन फिर भी लैपटॉप ऑन नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन मदरबोर्ड का सही होता है लेकिन मदरबोर्ड के और जो सेक्शन होते हैं, आईओ आईसी हो गई, और मदरबोर्ड में बहुत सारी आईसी होती है, तो अगर उसमें से कुछ आईसी ऐसी होती है कि जिस पे सप्लाई नहीं जाता तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता। सिर्फ चार्जिंग सेक्शन तो सही है लेकिन और मदरबोर्ड में जो और प्रॉब्लम है वो आईसी लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ सप्लाई रुक जाती है, तो उसके बाद भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी आपको अपने मदरबोर्ड को रिपेयर करवाने की ज़रूरत है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं मदरबोर्ड से रिलेटेड, अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका लैपटॉप खुद से नहीं ऑन होगा ना घर बैठे ऑन होगा, उसको रिपेयर करने के बाद ही ऑन होगा, तो ये आप जान लो। और देखो मैं इतनी सारी जानकारी दे रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताया हूँ अपने चैनल पे जहाँ पे आप अपने लैपटॉप को ऑन भी कर सकते हो, लेकिन जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो बहुत चिप लेवल की रिपेयरिंग हो जाती है उस चीज़ को आप किसी एक्सपर्ट से अगर सही करवाते हो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसको आप घर पे ठीक भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास उतना सामान ही नहीं होता। क्योंकि देखो हम यहाँ से वीडियो में तो बता दिए कि ऐसे ऐसे आप करो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके पास सामान भी तो होना चाहिए रिपेयर करने वाला। पता चला स्क्रू ड्राइवर ही किसी के पास नहीं होता और कुछ मदरबोर्ड को समझते नहीं, खोलते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम कर देते हैं लैपटॉप में। तो आप ज़्यादातर अगर मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है तो आप खुद से रिपेयर करने की ट्राई ना करो, अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग नहीं जानते हो तो ये आप हमेशा ध्यान रखो। अगर देखो आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क खराब हो गई, रैम खराब हो गई, बायोस बैटरी खराब हो गई, या फिर आपकी जो लैपटॉप में बैटरी लगती है वो खराब हो गई, चार्जर खराब हो गया, तो ये सब चीज़ों को अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको आप घर पे ठीक कर सकते हो। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले हैं और उसको देखो और आराम से आप ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हो। लेकिन आप अगर चिप लेवल रिपेयरिंग आपको नहीं आती तो आप अपने मदरबोर्ड को रिपेयर करने को बिल्कुल ना सोचो। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, आप अगर देखोगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके लैपटॉप में एलसीडी जैसे टूट गई है तब भी उसको आप रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एलसीडी नई लगती है। एलसीडी अगर नया लाओगे और आप अपने लैपटॉप को अगर खोलना आता है लैपटॉप को, तो आप अपने लैपटॉप को ओपन करो और वहाँ पे अपनी एलसीडी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब मदरबोर्ड के चिप लेवल रिपेयरिंग की बात आ जाती है तो वहाँ पे आपको नहीं करना है अगर आप जानकार नहीं हो, क्योंकि आप अगर खुद से करते हो तो आप अपना प्रॉब्लम और बढ़ा सकते हो। आप पता चला एक आईसी प्रॉब्लम आपने डबल कर दिया तो दो आईसी में प्रॉब्लम हो गया, या फिर आपने कहीं शॉर्ट सर्किट कर दिया जिसकी वजह से पूरी मदरबोर्ड भी आपको चेंज करनी पड़ सकती है। तो इसलिए मदरबोर्ड रिपेयर करना खुद से मत ट्राई करो। अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले भी बनाया है, उसको आप देखो, उसमें मैंने जितनी भी चीज़ें बताया है। अगर उसको ट्राई करने के बाद आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता तो आप अपने लैपटॉप को शॉप पे ले जाओ और वहीं पे रिपेयर करवाओ और तभी अच्छा रहेगा। अगर आपको कंप्यूटर में कोई और प्रॉब्लम है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, 100% रिप्लाई करूंगा। कोई भी लैपटॉप हो
सब में वही सेम प्रोसेस होता है, बस चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं। और चेक करने का सारे लैपटॉप में सेम ही प्रोसेस है। जैसे मैंने एचपी के लैपटॉप में बताया था, तो अगर आपके पास डेल है, लिनोवा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कोई भी लैपटॉप हो, जैसे मैंने बताया वैसे ही चेक करो। मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कैसे अपने लैपटॉप को खुद से ठीक कर सकते हो, और उसमें किस लेवल पर आप खुद से ठीक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जिसे आप खुद से चेक करके आप ठीक कर सकते हो, और जो चीज़ें आपसे नहीं हो रही उसको आप बिल्कुल ना करो।